जो बेटियों ग्रह में काम औरतों उनको छोड़ करके जब तो काम पूरा हो चुका है, अन्य कामों में लगभग 604 करोड़ रुपए का आज उद्घाटन लोकार्पण होने जा रहा है। मित्रों मेरे बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह हमारे बीच में है, इनका स्वागत करते हैं। काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष श्रीमान महेश जी है, हमारे बाई और साथ जिला अध्यक्ष सागर जी है, हमारे अंसराज जी जिला अध्यक्ष जी है। साथ ही साथ आप सबका जो देवतुल्य मानी मोदी जी के सारे दस्तक आपके शुरुआत होगा। हम लोग यहाँ से अलग अलग जगह 5 जगह ऐसे स्क्रीन पर बैठकर देख रहे हैं, 6 जगह और 3 जगह डायलॉग करेंगे, वार्ता करेंगे। तो हम लोग यहीं बैठकर पूरे कार्यक्रम को यहीं से देखेंगे भी है, तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जहां स्थान है वहीं पर बैठ जाएंगे। मेरा आग्रह है जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएंगे। इस तरह से जो मुख्य रूप से योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो संदेश रहे कितना लाभ होने जा रहा है बनारस की जनता को। काशी भारत के सबसे प्राचीन शहर है, काशी शिक्षा का बड़ा क्षेत्र है, काशी एक तरह से अघोषित मध्य प्रदेश बिहार के एरिया और पूर्वांचल का लोग कैपिटल मान करते हैं। यहाँ पर लोग चिकित्सा शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन देश की आज़ादी के 65 साल के बाद भी सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र काशी हो गया था, यहाँ विकास नहीं हो रहा था, जो चीज़ें हैं काफ़ी पुराने थी। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद मोदी जब 6 साल पहले आए तो उन्होंने यहाँ काशी की उपेक्षाओं को देखा, और काशी की उपेक्षाओं को देखते हुए हर स्तर से, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे IPDS हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे संस्कृति हो, अलग अलग से इसके विकास में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में आज 604 करोड़ रुपए का काशी में लोकार्पण किया गया है। इसमें जो तारों का जंजाल था ऊपर दिखाई पड़ता था, पतंगें फंसी फंसी थी, सारे तार हो गए, अंडरग्राउंड चले गए हैं। जो शहर गलियों का शहर था उसको स्मार्ट सिटी जोड़ करके वहाँ के अच्छे बनाए गए हैं, ये किया गया है। जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं सर्किट हाउस में, यह क्षेत्र एक तरह से बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ बड़े हाल नहीं थे मीटिंग करने के लिए, तो इसको बना दिया गया है। आज आप देख रहे हैं कि बड़ा सा हाल है जहाँ पर मीटिंग हो सकती है। तमाम से सुविधाएं थी, जब बनारस के बहुत से नौजवान जो विदेश जाके पढ़ते थे वो कहा करते थे कि मेरे शहर में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा है, इंग्लैंड में ऐसा है, तो हमारा शहर भी अब उस आगे बढ़ रहा है। यहाँ कलेजे के टुकड़े हमारे जो हैं सक्सेना जी, ये कहते हैं कि मेरा बेटा अब यहीं रह कर पढ़ेगा, यहीं काम करेगा, यह परिवर्तन आया है। अजय जी, मंत्री जी, जिस तरह से बिहार के एग्जिट पोल आ रहे हैं और आने वाले 1 साल बाद UP में भी इलेक्शन है, क्या लग रहा है इसका कुछ असर दिखेगा ये जो BJP? नहीं सर, नहीं देखिए, एक तो जो आप बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहा है, वह झुठलाया जाएगा। बिहार में सरकार बनेगी, यहाँ पर हम जो हो रहे हैं बाई इलेक्शन, वो जीत के आ रहे हैं, कल ही है, मात्र रह गया है, 20 घंटा दिखाई पड़ेगा।